बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है, अपने बच्चों का एडमिशन मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। छपरा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयास से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत एक दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने वाली पीड़िता के परिजनों को 2,50,000 का स्वीकृति पत्र रविवार को सौंपा गया। भाजपा नेता प्रियरंजन सिंह युवराज के द्वारा अमनौर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के भागवतपुर गांव निवासी बिंदेश्वरी यादव की पत्नी रिंकू देवी को उसके घर जाकर परिजनों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के द्वारा आगे की इलाज कराने के लिए 2,50,000 का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर धरहरा खुद पंचायत के फिरोजपुर गांव निवासी सुधीर सिंह की पत्नी को कैंसर के इलाज हेतु 80,000 के दो स्वीकृति पत्र पीड़ित के परिजनों को सौंपा, जिससे पीड़ित परिवार में खुशी देखी। वहीं पीड़िता रिंकू देवी, गीता देवी सहित अनेक उनके परिजनों ने सांसद रूढ़ी के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर भाजपा नेता प्रियरंजन सिंह ने बताया कि सांसद श्री रूढ़ी के अथक प्रयास से सारण संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद रोगियों को बेहतर इलाज के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसका फायदा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से त्रिवेणी सिंह, भवन सिंह, सुरेश सिंह, राम प्रवेश सिंह, भोला सिंह, ललन सिंह, हरेंद्र सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयास से मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत जो कोष मिला है, इसमें क्या कहना है, आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो हमें हो रहा है कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं, हमारे जमीन के नेता हैं और उनकी सहायता से गरीबों को बहुत ही लाभ मिल रहा है और उनको हम लोग बहुत चाह रहे हैं। साथ साथ युवराज जी जो हैं हमारे, उनके मदद से और उनकी सहायता से ये भी उनको उतार रहे हैं जमीन पर, जो हम लोग को बहुत बधाई हो रहा है, जो आगे हमारे हौसला बढ़ रहा है और हम लोग हर समय उनका साथ देने तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोला सिंह। आपको क्या महसूस हो रहा है? यह बहुत खुशी की बात है कि सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी अब गरीबों के प्रति ध्यान दे रहे हैं और यह चेक या राशि जो उपलब्ध हुआ है उनके सौजन्य से, और साथ में प्रियरंजन युवराज जी हैं, ये अथक प्रयास कर रहे हैं इन गरीबों और पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए, ये अच्छी बात है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयास से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितनी की राशि मिली है? 1,60,000 की राशि प्राप्त हुई है। गीता देवी, पति श्री सुधीर कुमार सिंह, ग्राम फिरोजपुर, पंचायत धराड़ा खुर्द, मुरजाफर पंचायत के अमरहाता में राशि जो दी गई है किस योजना से? मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुरजाफर के श्री सुनील कुमार राम, पिता श्री रामदेव राम को लगभग 80,000 रुपये का सहायता कोष से, रिंकू देवी, पति का नाम बिंदेश्वर यादव, ग्राम भागवतपुर, पंचायत बसतपुर बंगला को माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के अथक प्रयास से इनको 2,50,000 रुपये का अनुदान राशि प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी को दिल से और हृदय से बधाई देता हूं कि जिनके अथक प्रयास से यहां पूरे सारण जिले के, पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, गरीब गुरबा आम और आमाम का हर तरह का सहयोग वो प्रदान करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियरंजन युवराज। अमनौर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं।